हेलो, आप देख रहे हैं ग्राफिक्स रोहित। मैं आपका टीचर रोहित। जैसा कि मैं पिछले क्लास में बात करती सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में, आज हम स्टार्ट करते हैं पेन टूल के बारे में। पेन टूल ऐसे एक स्केच की तरह काम करते हैं। जैसे हम स्केच ड्रॉ करते हैं पेंसिल से, ऐसे ही इलस्ट्रेटर में पेन टूल का यूज़ होता है। पेन टूल की हेल्प से हम कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं और कोई भी इमेज को ट्रेस कर सकते हैं। ये सब चीज़ में पेन टूल का यूज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पेन टूल, इस पर लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखते हैं तो इसके अंदर चार ऑप्शंस होते हैं, वो विजिबल हो जाते हैं। एक पेन टूल, एंकर पॉइंट टूल, ऐड एंकर पॉइंट एंड डिलीट एंकर पॉइंट। इसका शॉर्टकट भी पी है, जैसे पी प्रेस किया पेन टूल आ गया। एक हमने सीधी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, शिफ्ट प्रेस करते हैं तो ये सीधा होगा। इस टाइप से शेप बना सकते हैं पेन टूल की हेल्प से, माउंटेन टाइप। और अगर हम इसको कर्व करना चाहेंगे तो क्लिक करके और माउस से इसको एडजस्ट करना होगा, शेप क्रिएट हो जाए। एक पॉइंट ये लिया, इधर क्लिक किया, इसको कर्व कर दो, इधर कहते हैं ये लाइन कर्व हो गई। हमको इसको यहाँ पर ही एंड करना, तो इसके लिए हम एस्केप प्रेस कर देंगे। ये देखिए लाइन यहीं पर एंड हो गया। एक सीधी लाइन लेते हैं और एंकर पॉइंट वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया, वो एंकर पॉइंट क्या करेगा, इस लाइन को कर्व कर देगा। एंड इसको हम ये दोनों पॉइंट दिख रहा है, आप इसको सेलेक्ट करके इनको एडजस्ट कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, कि आपको किस टाइप से शेप चाहिए वो आप इससे इजीली क्रिएट कर सकते हैं। इसको एक नॉर्मली विजिटिंग कार्ड की शेप क्रिएट करके देखते हैं इससे। एक हम इसे विजिटिंग कार्ड शेप क्रिएट करके दिखाते हैं आपको। पेन टूल लिया, अभी क्या कहते हैं, जिस पर हमने इस पर क्लिक कर लाइन को आगे ले जाएंगे तो फिर इसको बैक लाएंगे या फिर आगे किसी पॉइंट से जोड़ेंगे तो ये कर्व आएगा। बट हमें कर्व नहीं चाहिए, आगे स्ट्रेट चाहिए, तो हम इस पॉइंट पे जाके ऑल्ट प्रेस करके ऑल्ट को प्रेस रखना है और फिर लेफ्ट क्लिक माउस का प्रेस कर देना है। ये देखिए ये पॉइंट यहाँ पर कर्व से डिलीट हो गया। यहाँ पर पॉइंट लिया हमने और अभी ये आप ये देख रहे हैं कि ये देखो किधर भी जा रहा है, टेढ़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट शिफ्ट प्रेस कर रखेंगे तो ये स्ट्रेट ही रहेगा 90 डिग्री। ये देखिए ये कर्व पेन टूल की हेल्प से बन गया। अब इसको एडजस्ट करना है तो पॉइंट पर आते हैं, ये एंकर पॉइंट टूल। पेन टूल को काफ़ी अच्छा यूज है इलस्ट्रेटर में, इमेज ट्रेस करने के लिए और न्यू शेप क्रिएट करने के लिए, कोई लोगो या कोई शेप न्यू डिजाइन करनी है या क्रिएट करनी है तो उसके लिए पेन टूल का यूज़ होता है। अभी हम पेन टूल पर जाते हैं और
ये देखिए हमारी सिंगल लाइन, और इसमें कोई एंकर पॉइंट नहीं है अभी ना, आप देख रहे हैं यहाँ पे सिंगल इसमें कोई पॉइंट नहीं है। अभी हमें क्या करना है, इसमें एक ऐड करना है कोई पॉइंट, वो किस लिए कि हमें इस शेप को कर्व करना है। हमने इसको यहाँ पे एक एंकर पॉइंट ऐड कर दिया, एक पॉइंट इधर ऐड कर दिया। अब इससे पॉइंट एंकर पॉइंट को सेलेक्ट किया, ये देखिए वर्टिकल इसमें ये आता है, कन्वर्ट सेलेक्ट एंकर पॉइंट टू कॉर्नर, और एक स्मूथनेस वाला, तो इस पे गए। इसको सेलेक्ट करेंगे और ये आ गया। अभी इसमें हमारे कितने एंकर पॉइंट हैं, कितने पॉइंट्स हैं, 1, 2, 3 पॉइंट, ये आप देख रहे हैं, ये आपको डॉट विजिबल हो रहे हैं, ये हम इनको बोलते हैं एंकर पॉइंट। अब इनको रिमूव करना है किसी में ना, ऐड करना, तो हमें देखिए प्लस करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, ये देखिए ऐड होते जाएंगे। और रिमूव करने के लिए ये डिलीट सेलेक्ट किया, इस पर इसको सेलेक्ट किया, डिलीट डिलीट हो जाएंगे ये, दे देखिए क्यों, देखिए सेम तो पेन टूल से आपको क्लियर हो गया होगा इतना तो, कि पेन टूल का यूज कब और कहाँ और कैसे करना है। बाकी हम आगे और क्लासेस होंगी तो उनमें काफ़ी अच्छे से इसका यूज़ करना बताएंगे। अभी देखिए मैं एक लोगो ट्रेस करते हैं पेन टूल की हेल्प से, जिससे कि आपको और इसके बारे में क्लियरिटी हो जाए। ये देखिए इसको ट्रेस करते हैं, तो इसको ट्रेस करने के लिए क्या करना है, हमने पी प्रेस किया पेन टूल, सबसे पहले एक पॉइंट जहाँ से हमें इसको स्टार्ट करना है वहाँ पे गए, और इसमें आप देख रहे हैं इधर अभी क्या करोगे कि ये फिल हो रखा है कलर एंड आउटलाइन कलर है नन, तो हमें क्या करना है, फिल को नन करना है और आउटलाइन को कलर देना है, ब्लैक कलर इज़ बेस्ट, वो इसलिए अभी आप देखिए हमने इसको कर्व किया यहाँ पर, तो इधर वाइट आ गया, जिससे कि आपको ये आपको क्या कर सकता है, कन्फ्यूज कर सकता है, ये देखिए। और इसको हम नन कर देंगे और ब्लैक को, वो आउटलाइन को ब्लैक कर देंगे, तो ये आप आउटलाइन पर काम कर सकते हैं, जैसे कि आपको काफ़ी हेल्प होगी इसमें। तो चलिए इसको ट्रेस करते हैं, इसको नन किया, इसको ब्लैक करते हैं, नन स्टार्ट, देखो अभी क्या है कि इसको हमें देखना है कि ये कहाँ पर आके सही से कर्व होगा, बैंड जो कर्व कहाँ पर होगा सही से। अभी हम इसको ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिया और इसको कर्व कर दिया, और अगर हम इसको यहाँ पर ही ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कर देते तो ये पॉइंट यहाँ से रिमूव हो जाता और फिर ये इसका शेप में नहीं आ पाता, तो वो चीज़ें हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा कि कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको। ये देखिए बाकी आपको कोई भी ग्राफिक में चैलेंज होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसमें हेल्प कर देंगे। ये देखिए
ये हो गया ट्रेस, सेम इसको करते हैं। अभी क्या करते हैं इसमें कलर फिल करते हैं, तीनों को सेलेक्ट किया एक साथ सिलेक्शन टूल से। अब क्या करते हैं कलर फिल करने के लिए सबसे शॉर्टकट है इसका आई ड्रॉप को सेलेक्ट किया आई के साथ। इसको हम आगे की क्लासेस होंगे तो उसमें और डिटेल से सब देंगे, बट अभी इसको ऐसे ही बताते हैं कि आई ड्रॉप से इसको फिल करेंगे। रेड लिया और रेड इसमें क्लिक कर दिया, कलर कोई भी डाल सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं। ये देख, ठीक है, सेम इसको ग्रुप करते हैं, देन इसकी कॉपी देते हैं। कॉपी कैसे लेते हैं, ऑल्ट प्रेस करते हैं लेफ्ट क्लिक के साथ और इसको इधर छोड़ देते हैं। राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, वर्टिकल और ओके। अब इसको एडजस्ट, ठीक, जैसे ऊपर वाली इमेज ये जो चीज़ है इसको ट्रेस करना है, तो इसको ट्रेस करने से अच्छा है रेक्टेंगल टू एलिप्स लिया। अब ये ऊपर वाला इसको ट्रेस करना है, बट इसको ट्रेस करने से बहुत सही है कि हम इसको क्रिएट करते हैं, एलिप्स लेते हैं, इसको एडजस्ट कर देते हैं। कॉपी लेके एक और कॉपी बनाई, इसको यहाँ रखा और इसको सेट कर दिया। ये देखिए सेम लोगो ट्रेस हो गया है हमारा पेन टूल की हेल्प से। इसको आप कलर भी कर सकते हैं, तो जो भी कलर करना चाहे वो कर सकते हैं, प्लेसमेंट चेंज कर सकते हैं, इसकी स्केल चेंज कर सकते हैं। आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।